साल का पहला चंद्र ग्रहण आज रात लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक छाया चंद्र ग्रहण होने वाला है। इस ग्रहण का सूतक काल मान नहीं होगा। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाले इस चंद्र ग्रहण पर 130 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल 130 साल बाद बुध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों का संयोग बन रहा है। वहीं बात करें इस चंद्र ग्रहण के भारत में दिखाई देने के बारे में, तो शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के अनुसार 5 मई यानी आज रात को 8:44 से ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो आधी रात यानी 1:01 तक चलने वाला है। ग्रहण का उच्चतम काल रात 10:52 को बताया गया है। धार्मिक नजरिए से जब भी उपछाया चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका ग्रहण किस श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के शुरू होने का समय 12 घंटे पहले से ही सूतक काल आरंभ हो जाता है, वहीं चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होने वाला है।